फ्रेंड्स, तो हम नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, NCSM की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, नोटिफिकेशन गैजेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बताया गया है। तो ये गैजेट्स 20 दिसंबर 2023 को ही रिलीज कर दिया गया था। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में, आखिर ये है क्या। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है, ये आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, त्वरिपा, ये इसके लिए है। और पहला पॉइंट ये है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिशनर एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना होगा। अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो किसी भी बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं क्लिनिक चलाना, यस कि नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरीली इन द मंथ ऑफ फेबररी एंड अगस्त एवरी ईयर। तो टाइमिंग और शेड्यूल दिया गया है, और ये साल की शुरुआत फेबररी में होगा और दूसरा एग्जाम अगस्त में होगा। जब आपका इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा और उस सेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप बेसिकली नेक्स्ट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है नेशनल एग्जिट टेस्ट का। तो पांचवें पॉइंट में बताया गया है, इंटर्न हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी इंटर्नशिप 270 दिन मिनिमम कर चुके हैं या फिर 9 मंथ, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और पॉइंट बी में है ये, BAMS, BUMS, BSMS who had completed 1 year of compulsory internship, तो या फिर जो 1 साल अपना इंटर्नशिप कर चुके हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और वो अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम। तो 7 पॉइंट में बात किया गया है, देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट अटेम्प्ट टू अपियर नेशनल एग्जिट टेस्ट कैंडिडेट हु सिक्योरिंग 50% एबव एंड शैल बी डिक्लेयर एज अ क्वालिफाइड नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो इसमें यह बताया गया है कि आप जितना भी चाहे उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपका नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। और बेसिकली उसमें यह भी बताया गया है कि आप कितना परसेंट मार्क्स लाएंगे तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि 50% एंड एबव शैल बी डिक्लेयर एज अ क्वालिफाइड। तो 50% मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के ये लिए। बताया बताया गया गया है कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम में तो आपको एलिजिबल माना जाएगा, और आप किसी भी स्टेट से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बात यह थी कि अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो फिर उनका क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट में, तो उनके लिए ये जो UMS की डिग्री है, अदर ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके ही इतना माना जाएगा, और आप दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। जहाँ भी मेडिकल प्रैक्टिस में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है, आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी अदर जगह के लिए आप एलिजिबल। यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर किस बैच से नेक्स्ट एग्जाम लागू होगा। तो यहाँ पे बैच का कुछ ऐसा मेंशन है नहीं, लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो माना जाता है कि जो भी NCSM सर्कुलर देता है उसको ही नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी फॉलो करता है, उसके ही रूल एंड रेगुलेशन से चलता है। तो उसमें बताया गया था जो भी स्टूडेंट 20 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं उनको नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर वो नोटिफिकेशन क्या था, उसमें क्या था, उसको भी हम देख लें। नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी का नोटिफिकेशन, और ये 14 दिसंबर 2023 को ही रिलीज किया गया है। और इसमें पॉइंट में बताया जा रहा है कि प्रैक्टिशनर्स हु हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड और हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप बिफोर नोटिफिकेशन ऑफ द रेगुलेशन नो नीड टू अपियर द नेशनल एग्जाम। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और या फिर इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं 20 दिसंबर से पहले, उनको जरूरत नहीं है नेक्स्ट एग्जाम देने की, क्योंकि गैजेट जो आया है वो 20 दिसंबर को आया है। तो
आई थिंक जो ये डॉट था नेशनल एग्जिट एग्जाम का, वो कंप्लीट हो चुका होगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें।